गिरफ्तार संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी है शाहजहां। कई दिनों से फरार चल रहा था शाहजहां। शाहजहां को बसीरहाट कोर्ट लाया गया है, ये बड़ी जानकारी है। संदेश खाली में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, उसके बाद गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। सहयोगी तापस सिंह हमारे साथ जुड़ गए पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कई दिनों से फरार था तापस शाहजहां और आखिरकार गिरफ्तार हो गया, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है मामले में? जी देखिए, शाहजहां से तकरीबन 55 दिनों के बाद उसे गिरफ्तार कर पाई है पुलिस, और ये तभी हुआ जब हाईकोर्ट की तरफ से हरी झंडी दी गई कि शाहजहां को गिरफ्तार करने में कोई भी रोक नहीं है हाईकोर्ट का। उसके बाद तृणमूल ने साफ तौर पर कहा था कि 7 दिनों में उसे गिरफ्तार किया जाएगा। कल देर शाम से ही ये खबरें हो रही थी कि शाहजहां को शायद ट्रेस कर लिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर थी कि शाहजहां संदेश खाली के आसपास के ही इलाके में था, और आखिरकार कल देर शाम से संदेश खाली का तमाम इलाका, संदेश खाली मालुंचो के इलाके में अलग अलग जगहों पिकेटिंग बैठाया जा रहा था, नाका चेकिंग शुरू हुआ था। परसों भी हमने देखा था कि नाका चेकिंग शुरू हुआ था, तो लग रहा था कि शाहजहां को घेरने का काम पुलिस कर रही है। आखिरकार आज एक तकरीबन 3 से 3.5 घंटे पहले उसे ट्रेस आउट करके आकुंजी पाड़ा एक इलाका है वो संदेश खाली के पास ही बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, वहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और सीधा बसीरहाट कोर्ट लॉकअप में ले जाया गया है। कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद उसे कोर्ट में पेशी किया जाएगा और उसके बाद उसे पुलिस रिमांड में मांगी जाएगी पुलिस की ओर से। पूरे मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर से देखा जा रहा है। कई दिनों से फरार था, महिलाओं के यौन पीड़न का गंभीर आरोप है। क्या कई और लोगों से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या इस गिरफ्तारी के बाद संभावना है कि और लोग भी इसमें जो शामिल रहे होंगे उन पर भी शिकंजा कस सकता है? जी जरूर, अब देखना ये होगा। अभी तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और मूल आरोपी के तौर पर संदेश खाली में जो भी घटनाएं और आरोप सामने आए हैं शेख शाहजहां का नाम भी आया है, लेकिन इसका जो तार है वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेताओं से जुड़ा हुआ है। और ईडी और सीबीआई ने कल हाईकोर्ट में ये साफ तौर पे कहा था कि इसका तार, इसे गिरफ्तार अगर किया जाता है तो इससे ऐसे बहुत सारे नाम बिल्कुल, और उसी को लेकर भी जांच को और ज्यादा तेज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तापस आपका तमाम जानकारी के लिए।